भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर को 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गोलघर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के पास मंगलवार को हिंदू जागरण मंच और इन्वायरमेंटल वॉरियर्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाटक मंच के माध्यम से रंगमंच के कलाकारों ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए इन्वायरमेंटल वॉरियर्स सोसाइटी के सदस्य विक्रांत तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच राजा त्रिपाठी ने कहा, विक्रांत तिवारी इन्वायरमेंटल वॉरियर सोसाइटी से, और ये महानगर अध्यक्ष हैं इन्वायरमेंटल वॉरियर ऑफ सोसाइटी एंड हिंदू जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज 4 साल पूरे होने पे स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान के 4 साल पूरे होने पे हम लोगों ने गोरखपुर में यह प्रोग्राम किया है ताकि ये पता चल सके कि 4 सालों में जो स्वच्छ भारत हमारा अभियान है वो कितना सफल हुआ है और लोगों के मन में स्वच्छता को लेकर जागरूकता कैसी है। और इसके अंतर्गत हम लोग शहर के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का एक डांस प्रोग्राम और जागरूकता कार्यक्रम को करा रहे हैं। मैं राजा त्रिपाठी हिंदू जागरण मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में स्वच्छ भारत अभियान का अभियान ये जो पूरे देश में चल रहा है इसके तहत आज समापन के दिन हम लोगों ने अवेयरनेस का एक डिफरेंट मार्ग प्रस्तुत किया। झाड़ू लगा के समाज को साफ करने की प्रेरणा हम दे चुके हैं, अपने गंदगी को साफ करने की प्रेरणा दे चुके हैं, पर फिर भी अवेयरनेस की बहुत कमी थी। तो एक हमारे कार्यकर्ताओं ने नाट्य मंच के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया है कि स्वच्छ भारत अगर है तो पूरी दुनिया में आप एक स्वच्छ देश के रूप में स्थापित हो गए। इसी के निमित्त आज हमने गोरखनाथ मंदिर से अपने इस कार्य की शुरुआत की है। दूसरा चरण गोलघर के इस क्षेत्र में है, तीसरा तारामंडल पर भव्य प्रदर्शन होने जा रहा है। इन बच्चों ने पिछले 1 माह से अथक प्रयास करके इस तरह का एक नवीन उद्देश्य अवेयरनेस के लिए नाट्य माध्यम से प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है ये प्रशंसनीय वंदनीय है। धन्यवाद।